बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रमज़ान स्पेशल। में आज हम बना रहे हैं एक बेहद ही मज़ेदार अरबिक डिश और इसे अरबिक पैन केक, और इसका नाम है खब्ज जबाब। और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी होती है और इसको आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलो हम से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे मैं ब्लेंडर में बनाऊँगी, आप हैंड मिक्सर से भी बना सकते हैं। तो मैं ब्लेंडर से बना रही हूँ जैसे ईजी और जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पर मैंने एक जग ले लिया है और उसमें मैंने पहले एक मिल्क का ग्लास ऐड किया है, और इसी के साथ हम इसमें दो एग ऐड करेंगे। और अगर आप मिल्क ऐड नहीं करना चाहते तो आप मिल्क पाउडर ऐड कीजिएगा 1 कप, और इसी के साथ इसमें पानी ऐड कीजिएगा। और इसी तरीके से भी बन सकता है, बट इसमें मैं लिक्विड मिल्क ऐड कर रही हूँ तो इसीलिए मैं इसमें मिल्क पाउडर कोई भी ऐड नहीं करूँगी। और हम अपने दोनों अंडे डाल देंगे इसमें। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए और इसमें हम कोई ठंडी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपके फ्रीज वाले अंडे हैं तो आप 5 मिनट पहले फिर से निकाल दीजिएगा, और दूध भी टेम्परेचर रूम पे होना चाहिए। इसी के साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ईस्टर्न ईस्ट ऐड किया है और 1 कप एंड हाफ मैदा ऐड किया है, और इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे येलो। और अगर आपके पास ज़ैफ़रान है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, उससे खुद बहुत येलो कलर आ जाएगा। मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था। और इसमें मज़ीद मैंने 1/2 कप और मिल्क ऐड किया था, मुझे लग रहा था बैटर बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर मैंने 1/2 कप और मिल्क ऐड किया था। और देखें हमारा बैटर बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस इसी ही फॉर्म में होना चाहिए। तो अच्छी तरीके से ये देखें बिल्कुल बन चुका है। इसमें बबल्स अभी से स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने इसमें कोई ठंडी चीज़ ऐड नहीं की है। तो हमारा बैटर बहुत ही अच्छा बन चुका है। अभी हम इसे रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अगर गर्मियां हैं तो हम इसे मैक्सिमम 35 मिनट के लिए रखेंगे, अगर ठंडा मौसम है तो हम 1 घंटे के लिए रखेंगे। ये तकरीबन 45 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से रेस्ट हो चुका था और बिल्कुल बॉल से बाहर निकलने वाला था। तो फिर देखें आप ये कितना ज़्यादा हो चुका है, बॉल से भी बाहर निकल रहा था, तो मैंने यहाँ पर बॉल चेंज कर लिया था, इसको बड़े से बॉल में डाल दिया। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। और ये इतना अच्छा बैटर बना है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंडर में बना है। आप हाथ से भी बना सकते हैं बट उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और हमने पैन अपना रख लिया है गर्म होने के लिए, हमें पैन को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस लो मीडियम पे से हमें बेक करना है, पकाना है सॉरी। और मैंने हल्का सा ब्रश कर लिया था पैन पे ऑयल का, और इसे मैं छोटे छोटे पैनकेक बना रही हूँ। आप बड़े भी बना सकते हैं, मैं छोटे छोटे साइज़ के बना रही हूँ। और मैंने एक पैन में 3 पैनकेक बनाए थे, और अगर आप बड़े बनाएंगे तो मैं आपके एक ही बनेगा एक जाएगा। मैंने यहाँ पर 3 डाले हैं। और लो मीडियम पे बिल्कुल हम पकाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये ऊपर से इसके बबल्स आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि आपके एक बबल्स क्यों आ रहे हैं। इसी से तो ये इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है, ये बबल बिल्कुल इसमें आने चाहिए। और हमें इसको खुद बबलों को ख़त्म नहीं करना, यह खुद ब खुद फट जाएंगी। और यहाँ पर देख मैंने बना लिए थे और वो थोड़ा सा सीन मुझसे मिस हो गया, तो फिर मैंने कहा चले मैं दूसरे बना लेती हूँ, मैं वो भी आपको साथ में दिखा लेती हूँ। मैंने 1 डाल दिया, मैं अभी 2 बना रही हूँ क्योंकि ये थोड़े से उस साइज़ से बड़े हैं, और इनको भी मैंने डाल दिया। देखें ये इसमें बबल्स आ गए हैं और ये खुद ब खुद फूटते जा रहे हैं। बबल्स आएंगे पर इसको खुद हमें नहीं फोड़ना, ये खुद ब खुद फूटेंगे। अगर खुद फूटेंगे तो ये बहुत ही इनकी शेप अच्छी आएगी। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे, जब नीचे से पक जाएंगे तब मैक्सिमम इसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और अच्छी तरीके से पक जाएंगे। और मैंने यहाँ पर दूसरे भी डाल दिए थे, मैं ये सब लास्ट में आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पर इसमें भी बबल्स अच्छी तरीके से आ चुके हैं, और मैंने ये बार बार सीन इसीलिए रिकॉर्ड की है क्योंकि इसी से ये लुक बहुत ही अच्छी आती है। नहीं तो आप अगर ये बनाएंगे इनमें बबल्स नहीं आएंगे तो आपके ना पैनकेक की शक्ल वो नहीं आएगी, जो असली जो खलीज की डिश में है वो नहीं आएगी। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं, और अभी तो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में आप सहरी की टाइम बना के सकते हैं। तो आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, मिल्क के साथ भी खा सकते हैं, इसमें हनी डाल के वो भी आप उसी के साथ खा सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसके अंदर आप इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने कुछ में इलायची डाले हैं, कुछ में मैंने इलायची नहीं डाले क्योंकि हमारे घर में भी किसी को इलायची पसंद है किसी को नहीं है। तो मैंने पहले जो बनाए थे विदाउट इलायची बनाए थे, अब मैंने इसमें 1/2 टी स्पून जितना इलायची पाउडर ऐड किया है, और इसी से बनाऊँगी क्योंकि इलायची वाले फ्लेवर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैंने कुछ विदाउट इलायची बनाए हैं, कुछ इलायची के पाउडर के साथ बनाए हैं।
और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने ढेर सारे हमारे ये पैनकेक्स तैयार हो चुके हैं और इनको मैंने निकाल डिश आउट कर लिया है और इनको मैंने जीवन के साथ निकाला है। आप किसी के साथ भी निकाल सकते हैं। इसमें हम हनी भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। इसमें हमने हनी ऐड की हुई है और इसको आप खजूर के भी साथ खा सकते हैं, आप इसको चीज़ क्रीम के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको सिर्फ और सिर्फ चाय के साथ, दूध के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी और हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी है और थोड़ी सी दूसरे पैनकेक से डिफरेंट है क्योंकि ये खलीज रेसिपी है और इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाया जाता है और ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में। और ये खलीज ब्रेकफास्ट रेसिपी थी, मैंने आपके साथ जो शेयर किया। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ईजी और सिंपल रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता है इसी तरीके से कोई मज़ेदार से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।